गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री के एमसीक्यूज, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो आज इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री के अंदर, जो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे इंटरलेटेड देखने को मिल जाएंगे। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इस क्लास को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, और प्लस जो है आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे मेरे साथ जो है 1,44,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, जितनी भी जानकारी होती है आपके साथ शेयर करनी, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं, जैसे कि कल लास्ट टू लास्ट डे अगर मैं बात करता हूँ तो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया था, तो उनके जो स्क्रीनशॉट है मैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अभी कल जो है वेस्ट बंगाल पीसीएस का एग्जाम आया है, उसके भी स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, और आप भी वही चीज़ सेम चीज़ की यहाँ मतलब होता ना कि मुझे भी एक स्क्रीनशॉट में आना है, और प्लस जो है वो स्क्रीनशॉट ना रह के अगर मैं कहूँ कि वो इतना मतलब अपना वो नहीं है आपका, पर हाँ ये, लेकिन ये तो चीज़ होनी चाहिए ना कि हाँ आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। इसलिए वो मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट होते रहें और आप पढ़ते रहें। ठीक है, सारे लेक्चर्स पीडीएफ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम है, पेपर है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हो इस ईमेल आईडी के ऊपर। और प्लस जिस तरीके से आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अगर जो है आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन करते ही करते हैं, स्पेशल फोल्डर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, यहाँ पे अलग अलग एग्जाम को फोकस करके मैंने स्पेशल फोल्डर्स बनाए हैं यहाँ पे, और प्लस जो है स्टैटिक जीके का पार्ट है, मॉक टेस्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी आपको, और इसमें विपन 30 कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। जीएस कोर्स की बात करता हूं तो ये हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें हमने स्टडी करी हैं, और इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं, दो जगह से, एक तो स्टडी IQ ऐप से ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट studyiq.com, जैसे इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, जैसे व्यू ऑल का बटन दबाएंगे तो आपको दोनों कोर्सेज वहाँ पे नजर आ जाएंगे, जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें। हाँ, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा कोर्स परचेज करना चाहिए। देखिए, अगर आपके अगर आपके पास जो है लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है थोड़ा बहुत भी थ्योरी पता है आपको, चीज़ों को पता है कि हाँ हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आप सीधा 10,000 एमसी कोर्स परचेज करें। अगर आपको पता ही भी नहीं है कि जीएस के अंदर पॉलिटी क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता है, आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जीरो आइडिया, तो आप ये वाला कोर्स परचेज करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप सीधा 10,000 की तरफ जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और UPPCS के लिए भी मेरा एक नया कोर्स है 5,000 प्लस एमसीक्यू कोर्स, इसमें मैंने कुछ दिन से वीडियोस नहीं डाली हैं, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए और इसमें मैं लगातार चार पाँच वीडियोस जो है रोज़ डालूंगा, जिस तरीके से मैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स में डालता हूं, तो बहुत धमाकेदार सी वीडियो आने वाली हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा इसमें, ऑब्वियसली बात है वीडियोज़ आएंगी इसमें। चलिए जी, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जी चलिए जी, सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर इन द ऑन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उनमें इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं था।
देखिए, आपको पता है कि जो 1857 का रिवोल्ट है, बहुत सारे रीजंस है उसके, चाहे आप सोसाइटी के लिए ले लो, धर्म के लिए ले लो, ठीक है, और प्लस जो है पॉलिटिकल ले लो, बहुत सारे रीजंस है, इकोनॉमिकल रीजन ले लो, मतलब रीजन बहुत सारे थे कि हाँ इनके कारण रिवोल्ट हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो इमीडिएट कॉज था, आपका इंस्टेंट कॉज था, वो था आपका डेट इज एनफील्ड राइफल्स, जिसे हम कहते हैं चर्बी वाले कारतूस। और क्योंकि उस जो एनफील्ड राइफल्स होती थी, तो उनके ऊपर जो है चर्बी लगी होती थी गाय की, और जो है पिग की चर्बी लगी होती थी, जो आपके ऑब्वियसली बात है, जो हिंदूज हैं वो गाय को ऑब्वियसली माता है मानते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो पिग की मीट नहीं खाते, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, धर्म के साथ जो इन्होंने छेड़छाड़ करी थी, और ऑब्वियसली बात है एंड 1857 का रिवोल्ट हो गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बैरकपुर से, देन मेरठ, फिर अलग अलग जगहों के ऊपर जाने लगा। अब बात यहाँ पे ये यह है कि इनमें से इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा नहीं था। तो इनमें इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा नहीं था? आगरा। आगरा वॉज नॉट द इंपॉर्टेंट सेंटर, बट कानपुर, झांसी, लखनऊ, ये सारे सेंटर थे। मैं आपको दिखाऊंगा, एक पिक्चर दिखाऊंगा अभी, ठीक है, बट आगरा इज नॉट द सेंटर। अब एक चीज देखिए जी, आगरा सेंटर नहीं था, लेकिन आगरा के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? आगरा की बात करते हैं तो आगरा का शहर किसने बनाया था? निजाम खान ने बनाया था। और ये निजाम खान कौन है? जिनका नाम है जो है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, क्लियर। और आपको पता है आगरा में जो है पहले जो बाबर था, बाबर को आरामबाग में दफनाया गया था आगरा में, फिर उनकी बॉडी को निकाल के काबुल में लेके चले गए थे। और आगरा के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो है ताजमहल है, और ताजमहल है, ठीक है, और अकबर फोर्ट भी है जो है आगरा के पास है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर, आगरा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगरा इज द राइट आंसर। सो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहें थी आपकी, अलग अलग जगह के ऊपर जो है आपका प्रॉपर तरीके से ये रिवोल्ट हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है इस चीज को लेके, कि यहाँ से कौन लड़ा था और उसमें ब्रिटिश सप्रेसर कौन था। तो स्टार्ट विद द दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे, और उसका सप्रेस किसने किया था? निकोलसन एंड हडसन ने किया था। और उसके बाद बनारस में लियाकत अली, जेम्स नील ने उसको खत्म किया था। कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। नाना साहेब जो थे, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? दो पंत है। और तात्या टोपे का जो नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। और इनको जो है किसने मतलब सप्रेस किया था? कैंपबेल एंड हैवलॉक ने इसको जो है प्रॉपर तरीके से सप्रेस किया था। अब जब मैं तात्या टोपे की अगर मैं बात करता हूँ, ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो 1857 रिवोल्ट में पकड़े गए थे, और इनको फांसी हुई थी, ये एग्जीक्यूट किए गए थे, एग्जीक्यूटेड, क्लियर, एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी दी गई थी। झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, और सर ह्यूज रॉस ने उनको जो है सप्रेस किया था वहां पे। बरेली, खान बहादुर खान और सर कॉलिन कैंपबेल, अवध, बिहार, वीर कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, विलियम टेलर एंड विंसेंट आयने ने जो है इनको खत्म मतलब सप्रेस किया था रिवोल्ट को। अब यहाँ पे जो पर्सन है सर ह्यूज रॉस, सर ह्यूज रॉस जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि पूरे 1857 के रिवोल्ट में जो एक बहादुरी से ग्रेट मिलिटेंट की तरह लड़ा, वो कौन थे? डेट इज रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला आंसर बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखिए जी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो एक्ट था आपका, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इनको जानते हैं हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से हम जानते हैं। यहाँ पे जो मिंटो है वो कौन है? डेट इज आपका गवर्नर जनरल वाइस रॉय है। और यहाँ पे जो मॉर्ले है वो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, क्लियर, ये याद रखना है। अब 1909 के एक्ट में बात क्या हुई थी? डेट इज द हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर बात हो गई थी। कहने का मतलब ये है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट? मतलब क्या हुआ कि अलग अलग से चुनाव होगा, मतलब हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, रिप्रेजेंटेशन दे दी जाएंगी, प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस चलेगा, क्लियर। मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये आपका आया था 1919 में, और इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, जिसमें मोंटेक्यू कौन है? सेक्रेटरी हैं, और चेम्सफोर्ड कौन है? गवर्नर जनरल वाइस रॉय हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इस रिफॉर्म में जो है इन्होंने वर्ड यूज किया था डायार्की। डायार्की का मतलब क्या है यहाँ पे? द्वैशासन। डायार्की वर्ड का मतलब क्या है? द्वैशासन, जिसमें इन्होंने दो पावर्स डिवाइड कर दी थी। और ये डायार्की लगी कहाँ पे थी? प्रोविंसेस में, प्रांतों में जो है डायार्की लगी थी ये,
प्रोविंसेस में, ठीक है, जिसमें आपकी दो पावर्स डिवाइड करी गई थी, एक ट्रांसफर पावर और एक आपकी रिजर्व पावर। क्लियर हो गया। रिजर्व पावर जो थी आपकी वो रखी गई थी गवर्नर जनरल वाइसराय के पास रखी गई थी, और जो ट्रांसफर पावर थी वो इंडियंस को दे दी गई थी। अब रिजर्व पावर में जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस की बात आ गई, फाइनेंस, कम्युनिकेशन इसमें आ जाती है, और ट्रांसफर की पावर आ गई हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सब चीजें जो हैं आपकी ट्रांसफर पावर में रखी गई थी। सो ये पावर्स जो हैं ये इसमें डिवाइड करी गई थी। क्रिप्स प्रपोजल ये आया था 1942 में, और ये भेजा किसने था, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ये विंस्टन चर्चिल कौन है, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालत पतली थी अंग्रेजों की 1942 के पास। तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स प्रपोजल भेजा और उनको बोला कि यार जैसे तैसे इंडियंस को मनाओ कि हाँ हम संविधान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन आप उनको लेके आओ लड़ाई के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे लोग बहुत ज़्यादा थे और हमारे लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, सो ये क्रिप्स प्रपोजल जब आता है भारत में तो ये कहता है कि हाँ हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन ये सब कुछ कब देंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए कोई भी नहीं माना, और इसीलिए गांधी जी ने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक कौन है, क्रम्बलिंग बैंक। मतलब क्या हो गया कि एक आगे की डेट का चेक दे दिया गया है जो कि बैंक खुद लड़खड़ा रहा है। ये बैंक कौन है, अंग्रेज हैं, ब्रिटेन है, और ये चेक क्या है आपका, संविधान और संविधानिक असेंबली। क्लियर, ये ध्यान रखना। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान जो है ये 3 जून का प्लान था आपका, 3 जून 1947, और इसमें इसको माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, बलकान प्लान के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब बात यहां पे ये है कि ये माउंटबेटन प्लान जो है ये क्या कहता है, माउंटबेटन प्लान कहता है कि हम इंडिया को आजाद करेंगे कब, 15 अगस्त 1947 को आजाद करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका देश आजाद हुआ माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग। क्लियर, देखिए इन्होंने अनाउंस कर दिया था 15 अगस्त को, फिर उसके बाद जो है बिल बनते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में बिल पास होंगे, वो बिल जो है जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा या हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो है पास कब किया गया था, डेट इज ऑन 18 जुलाई, जो बिल 18 जुलाई 1947 को, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल, जो कि बाद में एक्ट बन गया, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि हम इंडिया को आजाद कर देंगे 15 अगस्त को। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। चलिए जी अगला आंसर बताइए। द लोकल नेम ऑफ मोहनजदारो इज, मोहनजदारो का जो नाम है वो क्या है, लोकल नेम। देखिए मोहनजदारो की अगर हम बात करते हैं, 1922 में इसको जो है ढूंढा गया था बाय द आर डी बनर्जी द्वारा ढूंढा गया था, और रिवर इंडस के किनारे पे जो है इसको ढूंढा गया था। यस बिल्कुल, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, बिल्कुल सही। और इसका जो दूसरा नाम है, डेट इज द माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, मृतकों का टीला इसको हम कहते हैं। क्लियर, और प्लस इसको नखली स्थान भी कहते हैं, नखली स्थान। क्लियर, और इसको हम कहते हैं ओएसिस ऑफ सिंध, सिंध में उपजाऊ भूमि, इनको वर्ड यूज किया जाता है। बाकी मोहनजदारो में बहुत सारी चीजें मिली हैं, ब्रॉन्ज इमेज मिली है डांसिंग गर्ल की यहाँ पे मिली है, ग्रेट बाथ मिला है, और जो है ग्रेट ग्रीनरी यहाँ पे देखने को आपको मिली है। क्लियर, और ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है, पशुपति महादेव की सील मिली है, बीडेड मैन की जो है पिक्चर मिली है हमें, तो बहुत सारी चीज़ें मोहनजदारो से हमें देखने को मिली हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी माउंट ऑफ द डेड। अब यहाँ पे देखिए जी, ये जो इलाका है प्रॉपर तरीके से, ये वाला इलाका जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपका क्या है, डेट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली जो हमें देखने को मिली है, इंडिया की बात करता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, और गुजरात में, राजस्थान में, और जो नदन हिस्सा है आपका महाराष्ट्र का, उसमें भी आपको देखने को मिला है। तो इन इलाकों में जो है आपकी प्रॉपर तरीके से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन छाई है। क्लियर, अब बात यहाँ पे ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का नदन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ऑब्वियस बात जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सा पार्ट, डेट इज मैंडा, जम्मू कश्मीर में जो है मैंडा इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट। क्लियर, और इसके बाद इधर जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, यहां पे नहीं लिखा गया बट मैं लिख देता हूं यहां पे, आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर जो है आपका बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, क्लियर। और जो है आपका थर्ड, जो आपका साउथ वाला है, मतलब साउथ वाला पार्ट कौन सा है, दैट इज दैमाबाद। दैमाबाद इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सुतका गेंदोर जो है आपका बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये आपको याद रखने हैं सारी की सारी चीजें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वॉज इशूड इन द सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल के दौरान जो है चांदी में जारी किए जाने वाले जो सिक्के थे वो कौन से थे गुप्त काल में। देखिए गुप्त काल में जो है आपके चांदी के जो सिक्के थे वो थे आपके रुपये का। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रुपये का इज द करेक्ट वन। रुपये का जो निष्का थे, सो निष्का वॉज अ गोल्ड कॉइन्स, निष्का वॉज द गोल्ड कॉइन्स, ये गोल्ड कॉइन्स है। एंड दीज गोल्ड कॉइन्स आर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के टाइम पे जो है गोल्ड कॉइन्स का नाम क्या होता था, निष्का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी जी। रुपए का इज द करेक्ट आंसर, रुपए का आंसर नंबर सी है। अगला बताइए, हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को किसने हराया था। बैटल ऑफ चौसा जो हुई थी, हुमायूं की लड़ाई हुई थी 1539 में, क्लियर। किसके साथ हुई थी, शेरशाह सूरी के साथ। कहाँ पे है शेरशाह सूरी, सो हेयर इज द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ जो है लड़ाई हुई थी और जीता था शेरशाह सूरी। और प्लस इसकी दो दूसरी लड़ाई भी शेरशाह सूरी के साथ हुई थी 1540 की, जिसे हम बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज भी वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग, जब बिलग्रिम की लड़ाई भी इसमें यूज कर सकते हो, बिलग्रिम, क्लियर। तो दोनों की लड़ाइयों में, मतलब ये दोनों लड़ाइयों में जो है शेरशाह सूरी जीता था, और जो है आपका शेरशाह सूरी जीता था और हुमायूं हारा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। बट हुमायूं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हुमायूं के ऊपर जो है इनका टॉम जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा जाता है, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा जाता है। और मलिक मिर्जा घियास और सैयद मोहम्मद ने जो है इसको डिजाइन किया था, और इनकी वाइफ के कहने पे, जिनका नाम है हाजी बेगम, हाजी बेगम ने इसको तैयार करवाया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखा गया है, और वो किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, इनकी सिस्टर ने लिखा है। हुमायूं ने एक दीन पन्ना का शहर बनाया था, और वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी थी, दीन पन्ना की लाइब्रेरी, और वहीं की सीढ़ियों से गिर के ये इसकी डेथ हो गई थी। शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सुर एम्पायर के संस्थापक हैं, फरीद इनका ओरिजिनल नेम है, बाबर खान लोहानी ने इनको टाइटल दिया था शेर खान का। और ये दूसरी अफगान डायनेस्टी है जिन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया, पहली अफगान डायनेस्टी थी जो आपकी, दैट इज लोदी वंश, क्लियर। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और शेरशाह सूरी जो हैं वो हैं जिन्होंने पुराना किला ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंदर बनवाया था, और प्लस जो है बहुत सारे जीटी रोड्स भी बनवाए हैं। सासाराम बिहार में जो है इनका टॉम देखने को आपको मिलता है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, शेरशाह सूरी इज द करेक्ट आंसर, शेरशाह सूरी। अगला बताइए, जी नवा नालंदा महावीरा जो आपका सेटअप किया गया था, ये कब सेटअप किया गया था, नवा नालंदा महावीरा इस्टैब्लिश कब किया गया था, ये इस्टैब्लिश किया गया था 1951 में। ये है कहाँ पे, सो दिस इज इन द बिहार, दिस इज इन द बिहार, क्लियर। अब बात यह है कि इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब मिल गया था, 2006 में, ये ध्यान रखना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। बट इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, हम हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बनवाई किसने थी, कुमार गुप्त ने बनवाई थी। और इस यूनिवर्सिटी को तोड़ के कौन चला गया था, बख्तियार खिलजी इसलिए तोड़ के चला गया था क्योंकि ये बुद्धिस्ट सेंटर था। और उस टाइम पे जब भारत में मुस्लिम, मतलब ये जो है
मोहम्मद गोरी के गुलाम आ गए थे, ठीक है, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो है बहुत सारा इन चीज़ों के ऊपर जो है डिमोलिशन वगैरह होने लगी थी कि हिंदू टेम्पल्स को तोड़ दिया या कुछ भी इस तरीके से होने लगे थे। और उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से जो है बुद्धिस्ट सेंटर को भी तोड़ा गया था, दैट इज द नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। और बख्तियार खिलजी कौन है? ये कमांडर इन चीफ है कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखें बख्तियार खिलजी। अब बात यहाँ पे एक और भी बात कर सकते हैं, बख्तियार खिलजी ने एक और यूनिवर्सिटी को तोड़ा था, डेट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है आपकी, ये है कहाँ पे? सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इज इन कहाँ पे है, ये भी बिहार में है। और ये किसने बनाई थी? धर्मपाल ने बनाई थी, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाई थी। और ये धर्मपाल ने जब बनवाई थी इसको, और इसको भी तोड़ा गया था अगेन बाय द बख्तियार खिलजी, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1951 इज द राइट वन, 1951। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। हु परमिटेड द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश ए फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? इन्होंने परमिशन दी थी कि हाँ आप जो है इंग्लिश फैक्ट्री लगा सकते हैं जी। इंग्लिश फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन किसने दी थी? देखिए ये फैक्ट्री लगाना चाहते थे सूरत में, ठीक है, सूरत में। और उसको ये परमिशन किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। एक्चुअली जहांगीर ने परमिशन कैसे दी वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बार परमिशन लेने कौन आया था? विलियम हॉकिंस। ये विलियम हॉकिंस को तो परमिशन दी नहीं थी इन्होंने, ठीक है, विलियम हॉकिंस को परमिशन दी नहीं थी। विलियम हॉकिंस को परमिशन तो दी नहीं थी, इसने अपने दरबार में रख लिया था और विलियम हॉकिंस को टाइटल दे दिया था, इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया था। जब इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया दरबार में रह गया, फिर उसके बाद अंग्रेज तो फिर भेजेंगे आगे, अंग्रेजों ने आगे एक और पर्सन को भेजा जिसका नाम है थॉमस रॉय। क्लियर? थॉमस रॉय परमिशन लेने आया और जहांगीर ने इसको परमिशन दे दी और सूरत में फैक्ट्री लग गई। क्लियर? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर बी, जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। जहांगीर की बात करते हैं तो इनको पेंटर किंग के नाम से भी जानते हैं, शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं, पियक्कड़ हैं ये। इनकी वाइफ का नाम है मेहरुन्निशा। मेहरुन्निशा को ये टाइटल दे देते हैं नूर जहां का, और नूर महल का टाइटल दे देते हैं। जहांगीर जो है पांचवें सिख गुरु को एग्जीक्यूट कर देते हैं जिनका नाम है गुरु अर्जन देव। इनको जो है एग्जीक्यूट करते हैं, मारते हैं, क्योंकि मार देते हैं, शहीदी दे देते हैं। रीजन कि जो जहांगीर है इनका बेटा होता है डेट इज खुसरो, वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है और जो भाग के जो है गुरु अर्जन देव जी की शरण में चला जाता है। तो इनको ऐसा लगता है कि गुरु अर्जन देव जी जो है इनको भड़का रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है दोनों को ही मार देता है जहांगीर। क्लियर? गुरु अर्जन देव जी को भी और अपने बेटे को भी मार देता है ये। क्लियर? जहांगीर का जो एक किला है आगरा का फोर्ट, मतलब आगरा में, आगरा के जो आगरा का जो इनका जो मतलब किला था, ठीक है, सो आगरा में इनके बाहर गेट के ऊपर एक चेन लटकी होती थी जिसे हम कहते थे चेन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की जंजीर, इसको कहते थे जंजीर आदिल उसको कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। औरंगजेब की बात करता हूँ, और अच्छा इनका जहांगीर का जो टॉम है वो लाहौर में है। औरंगजेब की अगर मैं बात करता हूँ, औरंगजेब जो है इन्होंने टाइटल लिया था आलमगीर का, डेट इज कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? पूरे विश्व को जीतने वाला। एक्चुअली ये टाइटल इन्होंने बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाई के बाद लिया था, बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाई के बाद, डेट इज इन द जो है 1658 में जब अपने भाइयों को हराया था। क्लियर? इनके पास जिंदा पीर का भी टाइटल है, जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था, किसको? औरंगजेब को लिखा था। क्लियर? याद रखें शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज कहा जाता है मुगल आर्किटेक्चर के लिए। रीजन क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें वगैरह इन्होंने बनवाई हैं। और इनके टाइम पे दो फ्रेंच पर्सन आते हैं, बर्नियर और टवर्नियर दो फ्रेंच पर्सन शाहजहां के टाइम पे देखने को मिले थे। अकबर ने इबादत खाना द हॉल ऑफ प्रेयर जहां पे डिस्कशन वगैरह होती थी, और इन्होंने अपना धर्म स्टार्ट किया था दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें होती थी। और इसने अपना नया सेक्ट स्टार्ट किया जिसको ज्वाइन करने वाला अकेला हिंदू कौन था? बीरबल, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है? महेश दास है। क्लियर? याद रखना अकबर के ऊपर आईने अकबरी,
आयने अकबरी लिखी गई है, अकबरनामा लिखी गई है, और किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ये अबुल फजल जो है नवरत्न में रहता है दरबार में, नवरत्न मतलब नाइन हीरो नाइन जेम्स में रहता है ये। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जहांगीर इज द राइट वन, जहांगीर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया, ये कहां पे चले गए थे, मतलब कहां पे ग्रहण किया इन्होंने जाके? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, जो जैन धर्म के मतलब उस टाइम पे मतलब वो थे, डैट इज गुरु, डैट इज कॉल्ड भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया चले गए थे और वहाँ पे जो है चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर जो है जाके इन्होंने तपस्या करी और वहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और डैट जगह, डैट प्लेस चंद्रगिरी, और ये कहाँ पे चले गए थे? डैट इज इन द श्रवणबेल गोल के अंदर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, श्रवणबेल गोल के अंदर, क्लियर। और यहाँ पे जो है बाहुबली की मूर्त भी देखने को आपको मिलती है, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं कौन है? डैट इज ऋषभदेव, ऋषभनाथ जी हैं। और अभी जो करंट में जो 24 करंट में तो नहीं मैं कहूँगा 24th जो है इनके गुरु हैं वो हैं महावीर जैन। अब इनके गुरु जो है भगवान को क्या कहते हैं? इनके धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर, क्लियर, तीर्थंकर कहते हैं। और 24 हैं टोटल, ये याद रखना है आपको। और जब इनको सुप्रीम नॉलेज मिल जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं? कैवल्या। कैवल्या मतलब सुप्रीम नॉलेज हो जाना आपको, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। जैसे महावीर जैन जी को जब कैवल्या मिला था तब उनके बाद जो है इनको नीर के नाम से, अरिहंत के नाम से, जैन के नाम से जानने लगे थे लोग। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, श्रवणबेल गोल इज द करेक्ट आंसर, श्रवणबेल गोल, कर्नाटक में। अगला देखिए, जी हाँ, एक बच्चा बोल रहा है तीन फेथ है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये आपके थ्री नॉलेज हैं उनमें जैन धर्म में। चलिए अगला आंसर बताइए। पहला गुप्त रूलर जो नोन था वो कौन सा था? देखिए अगर मैं गुप्त वंश की बात करता हूं तो फाउंडर कौन है? वो है श्री गुप्त, श्री गुप्त इज द फाउंडर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन है, रियल फाउंडर, तो रियल फाउंडर जो है वो है चंद्रगुप्त वन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फाउंडर श्री गुप्त हैं क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था, रियल फाउंडर ये हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपेंड किया था सबसे ज्यादा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, श्री गुप्त इज द करेक्ट आंसर। और श्री गुप्त के बाद घटोत्कच बने थे, उसके बाद जो है कुमार गुप्त बने थे, फिर समुद्रगुप्त सर, फिर आगे चलते गए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त वन की अगर मैं बात करता हूं तो इनका टाइटल है महाराज अधिराज का टाइटल इनका देखने को आपको मिला था। और कुमार गुप्त की बात बता दूं मैं आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, इनके बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में इन्होंने बनवाई थी। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, गुप्त वंश के फाउंडर महाराज, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो किसने स्टार्ट करी थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने स्टार्ट करी थी? BHU, ऑब्वियसली होता है बनारस में है। 1916 में ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी गई थी, मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट करी थी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मदन मोहन मालवीय जी ने। लेकिन एक चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां पे है, इससे पहले इसमें क्या होता था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था वो किसने बनाया था? एनी बेसेंट ने बनाया था, ये एनी बेसेंट ने बनाया था, और जिसके स्थान पे आज क्या है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और वो मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई थी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी। लेकिन बहुत सारे फैक्ट और भी आपको याद करने हैं यहाँ पे, क्या जैसे अगर मैं बात करता हूँ मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर, तो ये हिंदू महासभा के साथ जो है लिंक करते हैं, इनको महामाना के नाम से भी जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय जो है आपको याद होगा गांधी अंबेडकर पैक्ट, जिसमें रिजर्वेशन की बात करी गई थी आपकी 1932 में फॉर द 10 ईयर्स, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसमें जो साइनिंग करने वाली अथॉरिटी है वो है अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने साइन किए थे, ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करता हूँ तो महात्मा गांधी जी जो हैं 1924 के बेलगांव सेशन कर्नाटक में जो हैं एज ए प्रेसिडेंट रहे थे INC के। आखिरी और पहली और आखिरी बार ये याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो 1929 में जब आपका जो है पूर्ण स्वराज सेशन था
जो लाहौर में था रिवर रावी के किनारे पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी 1929 में। फिर इन्होंने 26 जनवरी 1930 को जो है अपना पहला इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया था, 26 जनवरी 1930 को। सो ऑल दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है आपको। और ये हो गया जी आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और द वन मोर पॉइंट इज देयर, वन मोर पॉइंट इज देयर, यस दैट्स इट। चलिए आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मदन मोहन मालवीय जी। तो यहाँ पे देखिए जी, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, और ये वाइस चांसलर रहे हैं यूनिवर्सिटी के 20 साल तक, और ये 1909 और फिर 1918 में जो हैं आपके प्रेजिडेंट रहे हैं कांग्रेस के, मतलब आई मीन 19 INC के, क्लियर। इन्होंने सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है वो आपका क्या किया, पॉपुलराइज किया। सत्यमेव जयते जो वर्ड लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, उपनिषद होते हैं फिलोसफिकल टेक्स्ट जो कि हमारे 108 हैं, जिसमें एक मुंडक उपनिषद है, वहां से वर्ड लिया गया था सत्यमेव जयते। और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ये याद रखना है, और ये याद रखें आपकी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह है जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, कौन से साल में किया था। पहली बात तो चंपारण जो है वो कहां पे है, राजस्थान, सॉरी चंपारण जो है वो है बिहार में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह को हम तीन कथिया लगान भी कहते हैं, तीन कथिया लगान भी इसको कह दिया जाता है, यानी कि 3/20। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चंपारण सत्याग्रह। और इसमें क्या होता था चंपारण सत्याग्रह में, कि जो इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे, जबरदस्ती तरीके से नील की खेती करवाते थे, जिसके कारण जो है आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो खराब हो जाती थी, और कैश क्रॉप होती थी वो, ठीक है, और जो किसान को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। और इसके लिए जो है राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है हमारे वहाँ पर आके सत्याग्रह कीजिए, क्लियर। तो गांधी जी सत्याग्रह करते हैं 1917 में, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये सारी चीजों को सॉल्व कर लिया जाता है वहां पे। लेकिन अब यहां पे जो इयर्स है ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को आए थे, और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे, क्लियर, ये याद रखना। 1919 में आपको पता है रॉलट एक्ट लगा था, और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसके चलते चलते जो है 1920 में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने लॉन्च किया था, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि पूरा मास बेस्ड मूवमेंट था, पूरा इंडिया एक मूवमेंट में जुड़ा हुआ था, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के साथ, क्लियर, याद रखना। 1930 की अगर मैं बात करता हूँ तो गांधी जी का लिंक है यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ, सॉल्ट सत्याग्रह के साथ, दांडी मार्च के साथ, सारे चीज़ें सेम है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये जो है आपका चला था, ये 1930 में, क्लियर, ये याद रखना है आपको। 24 दिन का ये समय था, 24 दिन ये चला था, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1917 इज द करेक्ट आंसर, 1917, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ये तो आप बता सकते हैं, ये इजीली बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आज आपको समझाया था ये क्वेश्चन मैंने आज समझाया था आपको। 1919 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसका इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताना है कि किस चीज़ की इंट्रोडक्शन यहाँ पे करी गई थी, किस चीज़ की इंट्रोडक्शन करी गई थी, डायार्की की। और डायार्की भी कहाँ पे, प्रोविंसेस मतलब प्रांतों में जो है डायार्की लगाई गई थी, जिसमें इन्होंने ट्रांसफर पावर के बारे में बात करी थी और रिजर्व पावर के बारे में बात करी थी, ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर के बारे में बात करी थी प्रोविंशियल डायार्की में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ये कब दी गई थी, 1935 के एक्ट में दी गई थी, 1935 के एक्ट में। एडल्ट फ्रेंचाइज की बात भी बाद में हुई थी, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो हुई थी 1909 में हुई थी। सो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। चलिए जी अगला बताइए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फादर ऑफ नेशन जी, फादर ऑफ नेशन जो है ये किसने बोला था, 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो से बोला गया था महात्मा गांधी जी को, फ्रॉम बाय द सुभाष चंद्र बोस।
आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपिता के नाम से बोला गया था, दैट इज सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर, फादर ऑफ नेशन। और फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के आगे जो महात्मा वर्ड लगा हुआ है ये टाइटल है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जानते हैं, और ये गांधी जी ने गुरुदेव का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया था, याद रखें, क्लियर। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इन्होंने जो है 1938 हरिपुरी सेशन और 1939 त्रिपुरी सेशन जो है ये जीता था, और त्रिपुरी सेशन जब जीता था तो गांधी जी के साथ ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ने लग गए थे, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि 39 में जो गांधी जी हैं पत्ताभी सीतारमैया को जो है सपोर्ट कर रहे थे, पत्ताभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है ये हारे, और एट द एंड पत्ताभी सीतारमैया की हार मतलब गांधी जी की हार, क्लियर। तो इट मीन्स गांधी जी और जो है सुभाष चंद्र बोस के डिफरेंसेज ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे, तो इसीलिए ज़्यादा ना बने तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया था, उसी टाइम रिज़ाइन कर दिया था, क्लियर। फिर जब इनकी सीट खाली गई सुभाष चंद्र बोस जी की, 39 में ही प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सब चीजें पता ही हैं, जो भी पॉइंट्स हैं आगे। अब फिर बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं, आजाद हिंद फौज बना लेते हैं सिंगापुर में जाके, सब चीजें वो जुड़ी हुई हैं आगे। अब बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी की। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, सरदार इनका टाइटल था 1928 में बारदोली सत्याग्रह में मिला था, गांव की औरतों ने इनको दिया था टाइटल। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि इन्होंने कंट्री की यूनिफिकेशन करवाई थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि ये अपने जो डिसीजन ले लेते थे वहां पे टिके रहते थे, क्लियर। सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हमारे आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, आजाद भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल। जवाहरलाल नेहरू हमारे आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। अरबिंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड बाय, अरबिंदो घोष के ऊपर जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था आपका जी 1908 में। तो इसके लिए जो लड़ा था, किसने लड़ा था अरविंदो घोष जी का केस, दैट इज द डिफेंड किसने किया था, चितरंजन दास जी ने किया था, सी आर दास जी ने किया था। ये अरविंदो घोष वही हैं जिन्होंने पुडुचेरी में जो है अपना आश्रम भी जाके बना लिया था, क्लियर। चितरंजन दास वो हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी की बात करी थी, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बन गई थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे आपके, सी आर दास थे, चितरंजन दास थे, और प्लस जो है जनरल सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू थे, ये याद रखना, क्लियर, याद रखें। डब्ल्यू सी बैनर्जी, ये INC के पहला सेशन हुआ था 1885 में, बॉम्बे सेशन, और उसमें प्रेसिडेंट थे कौन, दैट इज डब्ल्यू सी बैनर्जी, 72 लोग इस मीटिंग में आए थे। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो 1928 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, क्लियर। उस नेहरू रिपोर्ट को ये एक क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट थी जो कि फेल हो गई थी, याद रखें। तेज बहादुर सप्रू, ये वो व्यक्ति हैं जो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गए थे, और इनके अलावा एक भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने आपकी तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, और दूसरे थे आपके, डेट इज तेज बहादुर सप्रू, ये याद रखना है। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन चितरंजन दास। अगला बताइए, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी, फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जो है वो किसके द्वारा फाउंड आउट करी गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जो है किसके द्वारा स्टार्ट करी गई, ये स्टार्ट करी गई थी 1939 में, जब इन्होंने जो है INC से रिजाइन कर दिया था, और ये कौन है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की ऑटोबायोग्राफी याद कर सकते हैं, इंडियन स्ट्रगल, क्लियर, और प्लस जो है जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब इन्होंने वर्ड यूज किए थे, क्लियर, याद रखना है। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। रास बिहारी बोस आपको याद होंगे, ये वो पर्सन है जिन्होंने जब 1912 में कैपिटल शिफ्ट हो रही थी तो आपकी लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के ऊपर जो बम फेंका था, हार्डिंग सेकेंड के ऊपर बम फेंका था, वो रास बिहारी बोस ने फेंका था, जो कि प्रेसिडेंट बन जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के, जो कि आगे पूरा जो है दामोदर जो भी है चीजें हैं सारी किसके अंडर डाल देते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के अंतर्गत डाल देते हैं, ये अब आपको संभालना है, ठीक है। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का युद्ध हुआ था,
दूसरा त्राइन का युद्ध हुआ था तो इसमें कौन कौन पर्सन लड़ा था और कौन जीता था, कौन हारा था। देखिए तराइन का युद्ध जो है वो दो हुए थे, पहला और दूसरा। दूसरे वाला हुआ था 1192 में और पहले वाला हुआ था 1191 में। और दोनों में लड़ाइयां में कौन था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। पहली लड़ाई में जो जीता था वो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरी लड़ाई में जो जीता था वो मोहम्मद गोरी जीता था। दोनों ही तराइन के युद्ध थे 1191-1192 में रिस्पेक्टिवली। अब बात यहाँ पे ये है 1192 तो इसमें डिफीट किसने किया था, इसमें डिफीट किसने किया था, मोहम्मद गोरी डिफीटेड था पृथ्वीराज चौहान। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, इसको ए मत टिक कर देना, गलती हो जाएगी आपकी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात यहाँ पे ये है कि जो मोहम्मद गोरी है ये ऐसा जो है मुस्लिम रूलर है जो यहाँ पे धन तो लूटा प्लस यहाँ पे अपना रूल भी इस्टेब्लिश कर गया, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी को छोड़ गया यहाँ पे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया, आगे फिर दिल्ली सल्तनत वगैरह आगे बन जाती है, वो फिर आगे प्रोसेस चल जाता है आगे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी, पृथ्वीराज रसो। ये किसने लिखी थी, चंद बरदाई ने लिखी थी। ये याद रखना है, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट इन विच ईयर। देखिए जो बैटल ऑफ तालीकोटा जो हुई थी ये लड़ाई हुई थी 1565 में, 1565 में हुई थी। एक्चुअली इस लड़ाई में क्या था, एक राजा था जिनका नाम था सदाशिव राव, क्लियर, और उनका एक प्राइम मिनिस्टर था रामाराया। ये रामाराया की जो पॉलिसीज थी वो जो डेक्कन के सुल्तान होते थे उनके साथ अच्छी नहीं होती थी और उनको तंग ज़्यादा किया जाता था, जिसके कारण जो है डेक्कन के सुल्तान एक साथ हो गए और जो है लड़ाई करी सदाशिव राव के साथ, दैट इज विजयनगर एम्पायर के राजा के साथ, और एट द एंड जो है इनको हराया गया, इनको ख़त्म किया गया, और एट द एंड पूरा विजयनगर एम्पायर बाद में ख़त्म हो जाता है। तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1565 इज द राइट आंसर, 1565 जी। ये देखिए जी, 26 जनवरी 1565, क्लियर, ये याद रखना है। चलिए अगला आंसर बताइए। गुप्त डायनेस्टी की बात है जी, आपको आपको राजाओं के ऊपर बात लगाना है कि कौन सा राजा पहले आया था, दूसरा कौन सा था। चंद्रगुप्त वान जो है पहला राजा थे, फिर उसके बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त दूसरा थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद जो है आपके चंद्रगुप्त सेकंड थे, फिर कुमारगुप्त थे, फिर स्कंदगुप्त थे। ये लाइन में ही है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही बनेगा, कहाँ पे ऑप्शन ये। सो ये है आपका ई ऑप्शन, ये ऐसे ही है, क्रोनोलॉजी ऐसी ही है, 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए जी, जो अगर मैं फाउंडर की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था श्रीगुप्त हैं, फिर घटोत्कच हैं, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त वन है, चंद्रगुप्त वन की जो वाइफ है वो है कुमारा देवी। ठीक है, जिन्होंने टाइटल क्या लिया था, जिन्होंने चंद्रगुप्त ने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का, क्लियर। फिर आ जाओ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला था, वी ए स्मिथ ने बोला था, कविराज के नाम से भी जानते हैं। सिक्के के ऊपर जो है वीणा बजाते हुए पिक्चर्स जो हैं समुद्रगुप्त की हैं। इनके प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है जो कि जो है हरिसेन की इंस्क्रिप्शन है, अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे इनके नाम पे देखने को मिलती है। फिर आ जाओ चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त की अगर हम बात करते हैं तो आयरन पिल्लर मेहरुली इनके नाम पे देखने को आपको मिलता है। इनके टाइम पे फाहियान द पहला चाइनीज पिलग्रिम भारत में आया था और इनके दरबार में भी नवरत्न रहते हैं आपके, क्लियर। फिर आ जाओ कुमारगुप्त वन के बारे में, कुमारगुप्त वन वही हैं जिन्होंने जो बनाई थी आपकी डेट इज क्या बनाया था इन्होंने, डेट इज द नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी बिहार में, क्लियर। सो ये याद रखने हैं आपको। फिर उसके बाद जो है सारे आगे 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 चलते रहते हैं, मेन यहां तक ही आपको पढ़ने हैं। चलिए जी अगला आंसर बताइए। तो वी ए स्मिथ तो बोला है, वी ए स्मिथ तो बोला है मैंने, ये वी ए स्मिथ तो बोला है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अब ये देखिए जी क्या क्या चीजें हुई थी, मिलान करना है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मैंने आपको बताया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी आपकी, प्रॉपर तरीके से हिंदू मुसलमान वाली बात करी थी इन्होंने, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थ्री। ठीक है, फिर आ जाओ यहां पे, ये बनेगा थ्री, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या बनेगा।
ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत में आया था, ये क्यों आया था आपको याद होगा, प्रोविंशियल डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी 1919 में और ये 10 साल के लिए लगी थी और 10 साल के बाद इनका एक कमीशन बैठाना था जो कि एक रिपोर्ट बनाएगा कि आगे भारत को क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहिए। और ये साइमन कमीशन में टोटल 7 लोग थे, 7 के साथ सारे ही अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इसके लिए पूरे भारत देश में क्या हुआ था, एजिटेशन हुए थे। तो ये बनेगा 1, ठीक है। अब आ जाओ आगे, चोरी चोरा हत्याकांड, ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को और 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था पुलिस चौकी के साथ, जिसके बाद गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दी थी। ये बनेगा 2, 3, 1, 2। दांडी मार्च आपको पता है कि इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह के लिए बात करी थी। चौथा 3, 1, 2, 4 कहाँ पे है ये, सो ये बनेगा बी ऑप्शन, 3, 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर, 3, 1, 2, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज, जो नटराज की जो है ब्रॉन्ज इमेज है, ठीक है, उसमें पीछे ग्रेट हेलो है, हेलो मतलब पूरा होल है पीछे इस तरीके से, ठीक है, और शिव भगवान नाचते हुए नजर आ रहे हैं उसमें और प्रॉपर तरीके से, ठीक है, डांसिंग फॉर्म में है। और ये नटराज की जो मूर्त है आपकी, ये किस आर्ट की एग्जांपल है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चोल आर्ट, चोल वंश के टाइम पे। और चोल वंश की मैंने आपको बात बताई थी, चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय है, याद रखें आंसर नंबर 1। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात होती है, ये क्या होता है कि जैसे जो बुद्ध भगवान की जो मूर्तें हैं काफी जो है वो आपने देखा होगा, कर्ली हेयर्स, बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से, जैसे ऐसे लगता है कि प्रॉपर बॉडी बिल्डर टाइप फोटो मतलब पिक्चर्स आती हैं, ठीक है, सो वो कर्ली हेयर्स भी हैं, ध्यान लगाते हुए मुद्रा हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है कि प्रॉपर बॉडी बिल्डर टाइप जैसा, तो वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स होता है। और ये बनता है ग्रे सैंडस्टोन में, ग्रे सैंडस्टोन में बनता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ग्रे सैंडस्टोन में। नेक्स्ट इज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है आपका रेड सैंडस्टोन में यूज होता है, जो कि आपका जैसे कनिष्क का हेडलेस स्टैचू था आपका, तो वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में बना था। ये गंधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स दोनों जो है कनिष्क के टाइम पे देखने को आपको मिले हैं, क्लियर। मौर्यन आर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है सारनाथ, द कैपिटल द सारनाथ, मौर्यन कैपिटल जहां पे पिल्लर बना हुआ है, वो मौर्यन आर्ट देखने को आपको मिलती है। अमरावती, अमरावती जो आपका साउथ में चले जाते हैं, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स एक चीज दिखाता है, जैसे सपोज करो कि अगर मैं एक इंसिडेंट की बात करता हूँ, एक इंसिडेंट की बात करते हैं कि भगवान कृष्ण कंस को मारते हैं, ठीक है, एक इंसिडेंट है, तो वो एक इंसिडेंट जो है एक पिक्चर में नरेटिव वे में डिस्क्राइब करना, तो डैट इज कॉल्ड आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, मतलब एक पिक्चर में ही वो बता देंगे कि कंस को कैसे मारा जा रहा है, कृष्ण भगवान मारे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है, तो ये नरेटिव वे में अगर बात करेंगे तो वो आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स में देखने को आपको मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ये है जी आपके जो डेट इज द नटराज, क्लियर, सो दिस इज द ग्रेट हेलो, ये पीछे, क्लियर, नटराज। सो गाइस ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, बाकी अपडेट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,44,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं, सारे लेक्चर्स पीडीएफ यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई एग्जाम है पेपर है आपका तो भी आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर, क्लियर। जितने भी हमारे एमसीक्यूज होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपने हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स में, जिसमें मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन डिस्कस करता ही करता हूँ, मॉक टेस्ट है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के फोल्डर्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, क्लियर, और प्लस स्टैटिक जीके का पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको एंडलेस चीज़ें हैं, जो आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्लियर। इसमें ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और जीएस कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें हमने स्टडी करी हैं। अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से लेंगे, स्टडी आईक्यू ऐप से, जहाँ हमारी वेबसाइट studyiq.com, जैसे ही इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन, इस वी ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे जीएस कोर्स दिखेगा, 10,000 एमसीक्यू कोर्स दिखेगा। अगर देखिए, अगर आपको
थोड़ा बहुत भी जीएस का आइडिया है तो मैं सीधा कहूंगा कि आप 10,000 एमसीक्यू कोर्स को पढ़ें सीधा का सीधा। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जीरो हो आप, जीएस में पता ही नहीं है आपको जीएस में आता क्या है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना, तो मैं कहूंगा सीधा आप 10,000 की तरफ जाएं और इसको पढ़ने की कोशिश करें, क्लियर। और काफ़ी बच्चे जो जो है यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं आप में से, तो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पेड कोर्स ये ले सकते हैं, 5000 प्लस एमसीक्यू यूपीपीसीएस कोर्स, क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, क्लियर। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।